नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान में पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप का हुआ भव्य स्वागत। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधा गांधी आश्रम रवाना हुए। गांधी आश्रम में उन्होंने चरखा भी चलाया, प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की। इसी के साथ मोटेरा स्टेडियम पहुंचे जहां पर उन्होंने भव्य स्वागत हुआ। लोगों के हुजूम देखकर लगभग 1,20,000 की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वहां पर जो कुछ बोला वो हम आपको बताने के, लेकिन इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि जहां पर सीए को लेकर एक दिल्ली में जबरदस्त हिंसा हुई है। गैस मौजपुर में हिंसा आगजनी के बीच दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है और सीए विरोधी और सीए समर्थक आमने सामने हो चुके हैं। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगली बड़ी खबर जाने की, जहां पर आपको बता दें कि इस्लामिक टेररिज्म में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने साधा है पाकिस्तान पर निशाना। खुली चुनौती दी, चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपने घरों में आतंकवाद नहीं बंद करता है तो परिणाम बुरा होगा। जी हाँ, इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ में भी दूसरे दिन बिगड़े हालात, जगह जगह पर प्रदर्शनों के कारण माहौल तनावपूर्ण है। यूपी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि मस्जिदों के लिए दी गई 5 एकड़ की जमीन को लेकर भी बड़ा फैसला है। सब कुछ खबरें विस्तार से जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर समर्थन करते हैं, इस देश से घुसपैठियों को निकालने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दी कि अहमदाबाद से ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा आतंक के खिलाफ हम एक्शन लेते ही रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म को भी बात की है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीड़ से खचाखच भरे अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया है। भारत के सबसे बड़े स्टेडियम से ट्रंप ने पाकिस्तान और सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है। दरअसल आपको बता दें कि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। ग्रैंड वेलकम देखते ही डोनाल्ड ट्रंप काफी गदगद दिखे और प्रधानमंत्री मोदी और उनके गर्मजोशी देखने को भी मिली। गांधी आश्रम पहुंचकर उन्होंने गांधी आश्रम के बारे में भी जाना। इसके साथ मोटेरा स्टेडियम में संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है। इसी के साथ हालांकि वो हमारा अच्छा दोस्त भी है, लेकिन आज वो अपनी धरती पर कुछ आतंकवादियों को जरूर पालता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ रहा है, लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, ज्यादातर घरों में लोग गैस पर खाना बनाने लगे हैं। भारत में काफी सारी विविधताएं हैं, लेकिन यहाँ के लोग एकता विश्व की मिसाल बनी हुई है। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा है कि अमेरिका भारत से बहुत प्यार करता है और उनकी इज्जत करता है। भारत के लोगों को हमेशा वफादार और निष्ठादान दोस्त बना रहेगा। इसी के साथ उन्होंने बताया है आतंकवाद को लड़ने के का हम प्रतिबद्ध है। जी हाँ, आपको बता दें कि हम उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा बनाने वाली भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हमारा देश इस्लामिक आतंकवाद का शिकार रहा है, इसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और उनकी सीमाओं को अपनी सुरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने आगे कहा है कि हमारे पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं, हमें लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ कदम उठा रहा है, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए जरूरी होगा, भारत इसमें अहम योगदान भी निभाएगा। आपको बता दें इसी के साथ उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हर देश को अपने बॉर्डर को सिक्योर करने की पूरी छूट है और हर व्यक्ति हर देश में सुरक्षित नागरिकों को सुरक्षा देने का हर देश के सरकार को अधिकार है और उसके देश के नागरिक किस तरीके से सुरक्षित हों, इसके लिए सरकार जो भी कदम उठाती है वो उस देश के हित के लिए ही होता है। बॉर्डर को सिक्योर करना सरकार की जिम्मेवारी होती है और कहीं ना कहीं इसका संबंध सीए विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ है और NRC जिस देश में घुसपैठियां हैं उनके विरोध कर रहे उन लोगों के लिए है। और यही कारण है कि आपको बता दें कि कुछ इस्लामिक टेररिज्म बात करने के बाद गो बैक ट्रंप ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और आप समझ सकते हैं कि आखिर उनमें कौन से लोग हैं। जब दरअसल जो लगातार इस्लामिक टेरर की बात करने वाले लोग हैं वो जो लगातार इस देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने गो बैक ट्रेंड कराया है, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ा है, इससे कहीं ज्यादा वेलकम ट्रंप नमस्ते ट्रंप ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है।
फिलहाल इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के साथ यहाँ की विविधताओं का भी तारीफ की है। बॉलीवुड से लेकर दिवाली से पर्वों तक फेस्टिवल तक सभी लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने याद दिलाई और कहा है कि ट्रेड को लेकर भी व्यापारिक रिश्ते को लेकर कहा जल्द ही हमारी व्यापारिक रिश्ते भी और सही होने वाले हैं और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस्लामिक आतंकवाद पर लेकिन उन्होंने जोर दिया और जैसे इस्लामिक आतंकवाद की बात की आपको बता दें कि मोटेरा स्टेडियम में बैठे लाखों लोगों की तड़तड़ाहट से पूरा मोटेरा स्टेडियम गूंज उठा। जी हाँ, तालियों की तड़तड़ाहट से पूरा मोटेरा स्टेडियम गूंज उठा जैसे ही इस्लामिक टेरर की बात हुई है। आपको बता दें कि इससे उन्होंने कहा कि हमारा देश भी काफ़ी प्रताड़ित था और आज भारत हम समझ सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से हाल है, लेकिन ये सब हालात धीरे धीरे सही हो जाएंगे क्योंकि आपको एक मजबूत नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है। तो इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने आज कही। फिलहाल आपको बता दें कि इसके बाद आपको बता दें कि ताजमहल पहुंचे हैं। ताजमहल में आपको पूरे ताज को दीदार करने के बाद अब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे आप डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यक्रम है। फिलहाल अभी ताज का विजिट किए हैं हाल ही में मेलानिया ट्रंप, उनकी बेटी इवांका ट्रंप स्वयं में इस ताज को देखे हैं। आपको बता दें कि 500 मीटर पैदल चलकर ताज का दीदार किए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब यूपी से सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीए को लेकर आज एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है दिल्ली में। जी अलीगढ़ में दूसरे दिन हिंसा हुई है तो वहीं सीए के दिल्ली में मौजपुर में हिंसा आगजनी के बीच दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की भी मौत हो गई। दरअसल दिल्ली के मौजपुर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग आमने सामने हो गए हैं। हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई है। वहीं एसीपी गोकलपुरी ऑफिस में तैनात थे। दरअसल सीए को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। सीए के समर्थन और विरोध में मौजापुर में आपस में भिड़ गए दोनों ने, एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी की है, यहां तक कि फायरिंग भी हुई है। दोपहर 11 बजे शुरू हुआ हंगामा 2 बजे तक चलता रहा। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस भी एक्शन करना पड़ा। इस भिड़ंत में उपद्रवियों ने कई बार कई लोगों के घर भी जलाए दिए हैं। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है, इसी के साथ कई राउंड फायरिंग भी हुई है। आपको बता दें कि दोनों तरफ से फायरिंग होने के चलते एक कांस्टेबल की मौत हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि तनाव चरम पर है दिल्ली में। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आज ट्रंप के आने से किसी न किसी के द्वारा ये हालात बेहद तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें साफ साफ सीए समर्थन की रैली निकली थी जिसके बाद पथराव शुरू हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अलीगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा हालात दूसरे दिन भी तनावपूर्ण देखने को मिले हैं। जगह जगह प्रदर्शन के कारण माहौल तनावपूर्ण। जी हाँ, आपको बता दें कि नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड यानी एनआरसी के खिलाफ अलीगढ़ में भी तनावपूर्ण इस समय प्रदर्शन चल रहा है। माहौल तनावपूर्ण देखते हुए धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल इंटरनेट कट से ही बंद किए गए, लेकिन आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास पुरानी चुंगी से बड़ी संख्या के लोग सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। वहीं सहजमाल इलाके में भी महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को पुरानी चुंगी में करीब 1000 और जमालपुर में 1500 प्रदर्शनकारी धरना दे रहे हैं। दिन देर रात करीब 3 बजे पुलिस ने बल प्रयोग करके हटा दिया था। इसके बाद अब तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों की ओर से 5-5 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हिंसक रूप फिर से होता जा रहा है, ऐसे में अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मस्जिद के लिए कर दी गई 5 एकड़ की जमीन स्वीकार करेगा सुन्नी वक्त बोर्ड, बैठक में हुआ बड़ा फैसला। जी हाँ, अयोध्या में मुस्लिम निर्माण के राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन सुन्नी वक्त बोर्ड स्वीकार करेगा। इसका फैसला लखनऊ में हुई सुन्नी वक्त बोर्ड की बैठक में किया गया है। बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी सुन्नी वक्त बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारकू ने दी है। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में बोर्ड ने 8 में से 6 सदस्य मौजूद रहे, जबकि 2 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया था। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अयोध्या के नौराही मस्जिद के 5 एकड़ भूमि का आवंटन किया था। इस भूमि पर मस्जिद बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। 2 पदाधिकारियों की घोषणा ट्रस्ट के गठन के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल मस्जिद के लिए ये जमीन ले ली गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारत के गद्दारों के लिए सख्त कानून लाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखते ही गोली मारने का हो अधिकार, कर्नाटका के मंत्री का बड़ा बयान। जी हाँ, कर्नाटका के मंत्री कृषि राज्य मंत्री बीसी पाटिल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने, लोगों के खिलाफ गोली मारने का आदेश जारी करने को कहा है। पाटिल ने चित्रदुर्ग में कहा है कि मेरे हिसाब से भारत में एक ऐसा कानून अवश्य लाया जाना चाहिए जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए जाने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश होना चाहिए, ताकि लोग डरें और जो लगातार पाकिस्तान के कभी झंडे लहराते हैं और कभी पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान की आज़ादी से हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, उनमें थोड़ा डर बैठे और इस देश को तोड़ने वाले समझ सकें कि इस देश में कानून भी है। इस तरीके की बातें कर्नाटका के मंत्री बीजेपी के। फिलहाल अगर आप भी इनकी बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, लाइक कीजिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में राम निवास गोयल बने विधानसभा अध्यक्ष, रामबीर सिंह भिदौड़ी नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है।
नई विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी स्वयं इकबाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। उन्होंने विधायकों को शपथ दिलाई। इसके पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईश्वर के नाम की शपथ ली है। और आपको बता दें कि कई मंत्री विधायक सारे शपथ लेने के बाद इस बीच बड़ी खबर निकल के आई कि राम निवास गोयल को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है और राम वीर सिंह बिधूड़ी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, उसको लेकर एक बार फिर से समर्थन में जबरदस्त रैली निकल गई है। जी हाँ, दिल्ली के आपको बता दें कि मौजापुर जो कि कपिल मिश्रा के इलाके के आते हैं, आपको बता दें कि कल ही कपिल मिश्रा बीजेपी के प्रतापगढ़ विधायक रहने वाले थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बात कही। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक देश में रहते हैं तब तक हम जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि शाहीनबाग की तर्ज पर जाफराबाद में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है और वहां बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है। उनका कहना है कि हमें शादी ब्याह के लिए समस्याएं हो रही हैं, हर तरीके से हमें रोका जा रहा है और हमें कईयों की समस्या हो रही है। हर तरीके से समस्याओं के कारण वो भी समर्थन में रैली निकाल रहे थे और यही समर्थन के रैली में निकालते वक्त मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरते वक्त उन पर पथराव हो गया, जिसके बाद भी राम भक्त काफी गुस्से में दिखे। आपको बता दें कि 8 राउंड फायरिंग की गई, इसमें से माना जा रहा है कि सीए के समर्थन में रैली करने वाला ही व्यक्ति झल्लाकर लगभग 8 राउंड फायरिंग की है, जिनमें से फिलहाल कांस्टेबल की मौत बताई जा रही है और 2 घरों में आग लगा दी गई है। माहौल तनावपूर्ण है। हम आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में हालांकि मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप होने की वजह से ये नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन आपको बता दें कि हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल आज की बड़ी खबरों इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगर आप भी मानते हैं इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करने का वक्त आ गया है और हिंदुस्तान और अमेरिका को पूरी तरीके से इस पर प्रहार करना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।